झारखंड के दुमका में लॉकडाउन में एक शर्मनाक वारदात सामने आई है, जहां लॉकडाउन के बाद गांव लौट रही एक इंटर की 16 वर्षीय छात्रा से 10 युवकों ने गैंगरेप किया। ये घटना 24 मार्च को गोपीकांदर के गड़ियापानी जंगल में हुई। गैंगरेप का खुलासा तब हुआ जब किशोरी ने गोपीकांदर थाना पुलिस को अपना बयान दिया। छात्रा ने बताया कि मदद के लिए बुलाए गए एक दोस्त और उसके दोस्त ने रेप किया और फिर 8 अन्य लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने गैंगरेप को अंजाम दिया। वो रात भर जंगल में बेहोश पड़ी रही। दूसरे दिन 25 मार्च की सुबह वो जंगल से किसी तरह से रेंगते हुए सड़क तक आई तो ग्रामीणों ने उसे देखा और देखकर उसके परिजनों को सूचना दी। मौके पर माँ, पिता और उसके भाई आए और उसे उठाकर घर लेकर गए। दरअसल किशोरी गोपीकांदर प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली है। दुमका शहर के शिव पहाड़ में किराए के मकान में रहकर SP कॉलेज में इंटर कर रही है। लॉकडाउन के कारण कॉलेज बंद हो गया था, गाड़ियां भी नहीं चल रही थी और वो 24 मार्च को अपनी एक सहेली के साथ स्कूटी से निकली। सहेली गोपीकांदर के कारूडी मोड़ के पास छोड़कर अपने घर की ओर चली गई। पुलिस को दिए गए बयान में किशोरी ने बताया है कि कारूडी पहुंचने से पहले ही उसने अपने परिजनों को फोन किया था। शाम होने के बाद भी जब परिजन नहीं पहुंचे तो उसने अपने एक दोस्त विक्की उर्फ प्रसन्नजीत को फोन किया। युवक बाइक लेकर तुरंत कारूडी मोड़ पर पहुंच गया। युवक एक दोस्त को भी साथ में लेकर पहुंचा। तीनों एक बाइक से निकले। इसी बीच विक्की घर जाने के रास्ते की बजाय दूसरे कच्चे रास्ते पर बाइक ले गया। किशोरी ने जब विक्की से कहा कि ये घर जाने का रास्ता नहीं है तो उसने कहा कि रास्ते पर चेकिंग चल रही है, इसीलिए कच्चे रास्ते से होकर घर जा रहे हैं। कुछ दूरी पर जाकर विक्की ने एक सुनसान जंगल के पास बाइक रोक दी और उसके बाद विक्की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद 8 युवक नकाब पहने हुए वहां पर पहुंचे, जान से मार देने की धमकी देते हुए गले पर चाकू लगा दिया। इसके बाद सभी युवकों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। इसमें 25 तारीख को हमको रिपोर्टिंग हुआ है कि गोपीकांदर में एक गैंगरेप माइनर गर्ल्स का जो है एक गैंगरेप का मामला सामने आया हुआ है। तुरंत इस पर जो है हमने FIR रजिस्टर करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है SDPO सदर के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर काटीकुंड और ऑफिसर इंचार्ज गोपीकांदर के नेतृत्व में हम लोगों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है। हम लोगों ने जो भी साइंटिफिक तरीके से जो इन्वेस्टिगेट करना है वो सारा चीज़ प्रक्रिया जारी है। मेडिकल जांच भी पीड़िता को करवाया गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके हम जो अक्यूज्ड है उनको पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो है जितने भी साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है हम लोग प्रक्रिया जारी कर दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रामगढ़ सामूहिक दुष्कर्म कांड की तर्ज पर इस मामले की भी जांच का निर्देश दिया गया है। न्यूज़ डेस्क।